इंडिया, स्वागत है आपका सरिता की रसोई में। मैं आज बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर। तो मैं मसल तो फ्रेंड मैं कढ़ाई पनीर के लिए ली हूँ आधा के जी है पनीर, दो टमाटर, तीन मीडियम साइज प्याज, दो तेज पत्ता, पाँच हरी मिर्च, सात से आठ लहसुन की कलियाँ, एक इंच अदरक, धनिया पत्ता, कस्तूरी मेथी, तरबूज का बीज और ये पनीर है थोड़ा सा जिसे हम घिस लिए हैं, और यहाँ छोटी इलायची और बड़ी इलायची और कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। तो चलिए अब हम कढ़ाई को गर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम पनीर को थोड़ा तल लेते हैं। तो फ्रेंड मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें हम डालते हैं सरसों का तेल, थोड़ा सरसों के तेल गर्म होने तक हम इंतजार करते हैं। तो फ्रेंड मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल रहे हैं पनीर। तो फ्रेंड इस तरह से हम इसे थोड़ा तल लेंगे। तो फ्रेंड ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमको, इस तरह से ही करना है। ज़्यादा फ्राई करने से टाइट हो जाएगा, इस तरह ही हमको फ्राई करना है। इस तरह ही और हम इसे भी कर लेंगे, इस तरह ही फ्राई। तो फ्रेंड जब तक मेरा पनीर फ्राई हो रहा है तब तक हम प्याज को पीस लेते हैं। बिना पानी डाले हुए ही प्याज को पीसना है। तो फ्रेंड इस तरह से मेरा प्याज पीस चुका है। तो फ्रेंड मेरा पूरा पनीर फ्राई हो चुका है। इस तरह से हम पूरा पनीर को फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसी में जीरा पहले डालेंगे। छोटी इलायची और बड़ी इलायची, तेज पत्ता, पिसा हुआ प्याज डालेंगे। तो फ्रेंड जब तक मेरा प्याज भुजा रहा है तब तक हम हरी मिर्च और इतना लहसुन को भी पेस्ट बना लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे। इस तरह मेरा देखिए लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट पिसा चुका है। अब हम प्याज को देख लेते हैं, हम लाल होने तक इसको भूजेंगे। फ्रेंड हम लाल होने तक इस तरह से चला चला के इसे भूजेंगे। जब लाल हो जाएगा तो फिर हम लहसुन अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट इसमें हम डालेंगे। फ्रेंड देख सकते हैं लाल हो चुका है और तेल भी कढ़ाई को छोड़ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, लहसुन का, अदरक का पेस्ट। इसे हम थोड़ा धो लेते हैं, इस तरह इसे भी हम डाल लेते हैं। जब तक मेरा हरी मिर्च और लहसुन अदरक पकेगा तब तक हम इसमें हम टमाटर को भी पीस लेंगे। जो दो टमाटर था इसे भी हम पीस लेंगे। इस तरह कट करके बिना पानी के हम पीस लेंगे। तो हमारा टमाटर भी पिसा गया है, तो हम इसको भूनते हैं पहले अच्छा से। इसको भी अच्छा से भूनना है, एकदम लाल भूनने तक। जितना अच्छा भूजिएगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा।
तो फ्रेंड हम इसमें हरी मिर्च डाले हैं इसलिए ये लाल नहीं दिखेगा। अब ये अच्छा से भुजा चुका है, देख सकते हैं आप। कढ़ाई को पूरा तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे क्योंकि हम पीस के रखे हैं। आप चाहे तो हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम टमाटर डाल के इस तरह से चला दिए। इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। और फ्रेंड अब हम इसको भूजेंगे जब तक, तब तक हम ये तरबूज का बीज है इसको हम पीस लेंगे। इसमें डालेंगे पानी, इसको हम पीस लेंगे। फ्रेंड ये भी पिसा चुका है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये भी भुजा चुका है, जब तक हम पीस रहे थे तब तक ये इधर भुजा रहा था। अब इसी में हम डालेंगे तरबूज का बीज और इसी में हम डालेंगे कस्तूरी मेथी। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड देखिए कितना सुंदर मेरा कलर हो चुका है। तरबूज के बीज डालने से कलर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप भी अपने घर में इस्तेमाल करें तरबूज का बीज, बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड इसे हम 2 से 3 मिनट भूजेंगे, जब तक तेल ना छोड़ दे तब तक हम इसको भूजेंगे। तो 2 से 3 मिनट लगता है, तेल छोड़ देगा। तो फ्रेंड मेरा मसाला भुजा चुका है, इसमें हम डालेंगे जो हम थोड़ा सा पनीर को घिस के रखे थे ना उसमें मिलाएंगे। तो फ्रेंड अगर आप नॉनवेज खाने का शौक रखते हैं तो मेरे वीडियो में जाकर देखिएगा, मैं नॉनवेज ही बना के डाली हूँ। तो फ्रेंड अच्छे से भुजा चुका है, इसमें हम दूध मिला देंगे, पानी के जगह इसमें हम दूध डालेंगे। तो फ्रेंड आप दूध डालते समय इस तरह से चलाते रहिएगा, नहीं तो दूध फट जाएगा। तो इसमें उबाल आ जाए और छोड़ दीजिएगा। तो फ्रेंड मेरा उबाल आ चुका है, देख लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे पनीर जो तल के रखे थे। इसे हम 1 मिनट तक ढक के पका लेंगे। तो फ्रेंड अब 1 मिनट हो चुका है, अब देखते हैं। तो बहुत ही अच्छा बना है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता इस तरह से डाल देंगे, गैस को हम ऑफ करेंगे। हो चुका मेरा पनीर का सब्जी बन चुका है। तो फ्रेंड देखिए कितना सुंदर कलर आया है और बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। तो फ्रेंड कैसा लगा मेरा कढ़ाई पनीर का रेसिपी? अगर मेरा आज का वीडियो आपको आया होगा पसंद तो कीजिएगा मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।